चलिए शुरुआत करेंगे कोरोना टॉप 20 के साथ। भारत में कोरोना के 83,341 नए केस, गुरुवार को 11 लाख से अधिक हुए टेस्ट। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 39 लाख के पार, 8,31,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 30,37,000 से ज्यादा। भारत में कोरोना संक्रमण से अब तक 68,472 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,05,000 एक्टिव केस, 6,12,000 मरीज ठीक हुए। तमिलनाडु में कोरोना के 52,070 एक्टिव केस, 3,86,000 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना से 17,692 एक्टिव केस, 1,60,114 मरीज ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,03,521 एक्टिव केस। कर्नाटक में कोरोना के 96,000 एक्टिव केस, 2,68,000 मरीज ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 24,039 एक्टिव केस, 1,44,000 मरीज स्वस्थ हुए। उड़ीसा में कोरोना के 25,538 एक्टिव केस, 87,351 मरीज ठीक हुए। गुजरात में कोरोना के 16,096 एक्टिव केस, 81,000 मरीज ठीक हुए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 57,598 एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना के 13,912 एक्टिव केस, 71,000 मरीज ठीक। हरियाणा में कोरोना के 13,470 एक्टिव केस, अब तक 55,889 मरीज ठीक हुए। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,64,00,000 के पार, वहीं 1,86,00,000 मरीज हो चुके हैं ठीक। अमेरिका में 63,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार। अमेरिका में 40,86,000 से ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार। तो वहीं ब्राजील में संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।